वहाँ तो हमारा हार होने का मुख्य कारण है, वहाँ धन की जो है से बारिश हुई जदयू के तरफ से, उनका मंत्री था और उनका सरकारी यंत्र था और लोगों के बीच में जा कर के सारी वितरण करने का काम किया। डीलर के द्वारा जो है वहाँ पैसा वितरण करने का काम किया गया और डीलर के द्वारा जो है उनको बोला गया ये नीतीश कुमार के द्वारा फ्री में मिलता है गेहूँ, अगर उनको वोट नहीं देगा तो ये सब बंद हो जाएगा। बिहार में दो सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे वो बिहार की राजनीति की जो इतिहास है उसमें काफी अहम रहा, इसलिए कि सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री नेता वहां पहुंचे थे और विपक्ष ने भी अपना जोर लगा दिया था, लेकिन नतीजा जदयू के पक्ष में आया। कुशेश्वर स्थान से राजद के प्रत्याशी रहे हैं गणेश भारती सदा। राजद ने मौके पर इन्हें टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था, फिर भी नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया, कहाँ चूक हो गई थी आपसे? देखिए, हम तो नया आदमी थे, हम एक साधारण पंचायत समिति का सदस्य थे, वहाँ पर कोई नेता तो थे नहीं, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ हम आग्रह किए कि हम लोग को भी टिकट दीजिए, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आज तक हमारे समाज का लोग को देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक कुशेश्वर विधानसभा ऐसी सीट रहते हुए आज तक कोई जो है राष्ट्रीय पार्टी टिकट देने का काम नहीं किया, तो मैं इनसे आग्रह किया, इनके पार्टी में जुड़ा हूँ, तो वह मेरा जो है आवेदन का स्वीकार किया और मुझे जो है टिकट देने का काम किया और पहली बार जो है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है वहाँ टिकट दिए और चुनाव चिन्ह का लालटेन था, पहला बार वहाँ लालटेन चुनाव छाप आया और वहाँ से पहले महागठबंधन के तहत कांग्रेस को टिकट मिलता था जिसमें बार बार वहाँ से डिपीट खाते थे, जिस कारण जो है वहाँ से मुझे टिकट मिला और हम जो है सपना भर पूरा प्रयास किए कि हम जो है से जीत के प्राप्त करें, लेकिन सरकारी यंत्र के पीछे वहाँ हम कांग्रेस अगर साथ देती तो आप जीत जाते वहाँ? कांग्रेस से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको वहाँ पर, इसलिए वहाँ साधारण जो है वोट वो कांग्रेस लाए, जबकि उनका सिंघिया विधानसभा था तो कुशेश्वर मात्र जो है से 8 ब्लॉक जो है इधर आए और बाधी बाकी जो है से 14 और 10-24 जो है ना पंचायत जो था कुशेश्वर स्थान का इसी सिंघिया विधानसभा के अंतर्गत था, तो वहाँ से डॉक्टर अशोक बाबू बार बार जीतते थे और मंत्री भी रह चुके थे बिहार सरकार में, उस स्थिति को देखते हुए उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ पर। लगातार ये आरोप लग रहे थे कि कई तरह के धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है, प्रतिपक्ष के नेता और लालू प्रसाद यादव ने भी लगातार इस पर सवाल खड़े किए थे। जी जी, वहाँ तो हमारा हार होने का मुख्य कारण है, वहाँ धन की जो है से बारिश हुई जदयू के तरफ से, उनका मंत्री था और उनका सरकारी यंत्र था और लोगों के बीच में जा कर के सारी वितरण करने का काम किया, डीलर के द्वारा जो है वहाँ पैसा वितरण करने का काम किया गया और डीलर के द्वारा जो है उनको बोला गया ये नीतीश कुमार के द्वारा फ्री में मिलता है गेहूँ, अगर उनको वोट नहीं देगा तो ये सब बंद हो जाएगा और आगे छठ पूजा है इसमें जो है सो तुम लोग को फिर जो है से 4000 रुपया मिलेगा। और लगातार एक और बातें लगातार सामने आ रही थी कि उस क्षेत्र में जलजमाव की काफ़ी समस्या है, आप भी पंचायत स्तर पे लगातार चुनाव लड़े हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? इतने दिनों सरकार में रहे हैं, जो भी वहाँ से विधायक रहे वो काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? वहाँ जो भी आज तक जीत कर गए हैं तो उस क्षेत्र को ढंग से इस्तेमाल नहीं किए हैं कि हम इस क्षेत्र को बनावे, इस क्षेत्र को रोड रास्ता अच्छा से बनावे, वह सोचता जो आदमी जीत कर आता है ऐसी सीट है वह आदमी जग जाता है, बड़े लोग से संगत हो जाता है, उन वह छोटे को देखने के लिए तैयार नहीं रहता है, सिर्फ वोट के बारे में जो है जब आते हैं तो उनसे जाकर के मिलते हैं, पार्टी के स्तर पर लोग मत अपना करते। लालू जी ने आपको आपके बारे में सोचा, आपको टिकट दिया, तो आप आगे की रणनीति कैसे बनाएंगे उस सीट के लेकर? फिर जो है हम लोगों के बीच में जाकर मिलने का काम करेंगे और अपना विचार उनके विचार से मिलाएंगे कि जो है आज तक ये सब लोग जीता, हमको और आपको लूटने का काम किया है, इसलिए आप एक बार हमें मौका दीजिए और मैं अच्छा विकास करके आप लोग के बीच में रहूँगा। लालू जी आए हैं पटना, क्या कहिएगा, मुलाकात किए हैं? जी, मुलाकात किए हैं सर। तो
कुशेश्वर स्थान से राजद के द्वारा इनको टिकट दिया गया था। चुनाव परिणाम काफ़ी अहम थे और इनको 45,000 से ऊपर वोट भी आए थे, 47,000, और टक्कर थी राजद और जदयू में। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस भी टक्कर देगी, लेकिन कांग्रेस वहां अच्छी वोटें नहीं ला पाई। पहले जैसे कांग्रेस को वोट आया करती थी, उस तरीके से वोट नहीं आया। आने वाले दिनों में उस सीट को लेकर फिर से किनका दावेदार होगा राजद की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी।